आज दुर्भाग्य है कि उड़ीसा मछली को आंध्र प्रदेश से लेकर आता है और सीड को बंगाल से लेकर आता है कि उड़ीसा के पास इतने वाटर रिसोर्सेज है। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी जमीन दी है, ऐसी ग्रीनरी और कहीं नहीं दिखाई नहीं देती देश में जैसे उड़ीसा में। तो उड़ीसा को फिशरी का हब होना चाहिए था, उड़ीसा को पूरे देश को फिशरी खिलानी चाहिए, देनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो वाकई सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। 3,83,824 से ये 25,000 हो गया है उड़ीसा में। ओवरऑल 11 से 19 के बीच में जब आप लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करेंगे तो 12% डिक्रीज है। इसका कारण क्या है? कारण शायद यही है कि जो किसान को सुविधाएं है वो नहीं पहुँच पाई। यहाँ का जो मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, आप बताएंगे कि अन्य स्टेट में गुजरात का उदाहरण देंगे? आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा कि इन 8 सालों में उड़ीसा के कभी किसी कृषि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे अच्छा लगता अगर वो भी आते उड़ीसा की जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए, वो भी दिल्ली पहुँचते और दिल्ली से बजट की डिमांड करते। असफल संभावना। केंद्र मत्स्य और पशु संपद विकास राष्ट्र मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान का सह देखंतु स्वतंत्र साक्षात्कार शुक्रवार राति 9:00।